काश वो नौबत ही ना आए वसंत। अभी हमारा बच्चा मिल जाए और हम लौट जाए हमारे ग्रह। रोल वर्षा, अपना मन हल्का कर लो। एक मिनट, हेमंत नहीं है ना? सो रहा है। हाँ तो ठीक है। मम्मी जोर से रो ना, ताकि मैं आपको कंपनी दे सकूं। वाह वाह, सबसे पहले तो कंपनी देने के लिए ये खुद रो के दिखाएगा, उसके बाद में तुम्हें रुलाएगा और फिर तुम्हारे साथ रोएगा। एंजॉय। मैं जानता हूं कि मैं वसंत भैया की बात को नहीं मान रहा हूं, लेकिन मैं ऐना से बहुत प्यार करता हूं। जो होगा सो होगा। ऐना, ये रह काम। ऐना। शरद घोटाला, तुम अंदर कैसे आए? बालकनी से चढ़ के। तुम बालकनी में कैसे चढ़े? वो वर्षा भाभी ने मुझे उठा के तुम्हारी बालकनी में रख दिया और मैं दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पास आ गया। ये तो दिन ब दिन अजीब ही होता जा रहा है, लगता है इसे मुझसे प्यार हो गया है। हाँ सही कहा तुमने, आज मुझे तुमसे प्यार हो गया। मेरे बिना बोले तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। अब तुम कहो क्या यही प्यार है? फिर मैं कहूंगा हाँ हाँ यही प्यार है। फिर तुम ऐसे शर्मा जाना। चलो 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 शरद। नहीं नहीं, क्या यही प्यार है ऐसा कहो। शरद ऐना, ऐना मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, मेरा दिल जोरों से धड़कता रहता है। छपांग 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 छपांग। एक मिनट, तुम्हारा दिल क्या आप ऐसे पानी के अंदर जाम मारते मारते धड़कता है? छपांग छपांग। तुम्हें देख शरद, वो तुम वो बालकनी से भागते भागते आए ना, इसलिए तुम्हारा दिल धड़क रहा था। छपेंग छपेंग। हाँ अब चलो 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 अब चलो। अब ऐना प्लीज ऐना। देखो शरद, मेरा दिल तुम्हारे लिए नहीं धड़कता, ना ही धक धक और ना ही छपेंग छपेंग, कुछ भी नहीं। ओके अब जाओ यहाँ से, गो। तो ऐना ऐना, तो फिर तुम भी बालकनी से दौड़ कर आओ ना, तुम्हारा दिल भी मेरे लिए धड़कने लगेगा। देखो शरद, आई एम वेरी सीरियस। मुझे पता है कि तुम दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं वाले मोड पर आ चुके हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो ले आओ ना। वो मॉल है ना कुकर वाला, मैंने सुना है कि वहां पर सब कुछ मिलता है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ बहुत सारा। शरद ऐना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, दुनिया से लड़ सकता हूँ, जान भी तोड़कर ला सकता हूँ। शरद अच्छा ठीक है, तुम जाओ हाँ, जान तोड़कर लाओ, फिर बात करते हम। ओके शरद, कहाँ गया?
आसमान में देखो। हाँ अंधेरा हो गया ना। अंधेरा हो गया ये देखने के लिए तुझे आसमान में देखना पड़ता है। ये है अंकल ओझा, धूप नहीं आए। अरे वो तो टूट गया है। अरे चांद टूटा नहीं है मैन, वो अपना वो रोज के थॉर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं? काटा। हाँ, किसी ने चांद को काटा है मैन। अच्छा हुआ भेज दिया, अब शायद परेशान नहीं करेगा। बिच्छू है ना शरद, ये देखो। ये क्या है? तुमने कहा ना चांद तोड़ कर ला, तो मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ कर लाया। लेकिन तुम ये तोड़कर कैसे लाए? सच सच बताओ कि तुम कौन हो? तुम्हारा नाम शरद घोटाला नहीं हो सकता। क्या है तुम्हारा नाम? मेरा नाम 87 स्क्वायर। कहां से आए हो तुम? अच्छा हुआ एक इंसानी सपना था, नहीं मैं हमारी असलियत किसी को भी नहीं जानने दे सकता। मैं वसंत भैया की बात को नहीं डालूंगा, ऐना को भूलने की कोशिश करूंगा, नहीं रहूंगा मैं। आंटी भावना, क्योंकि मैं पीछे चली जाती हूँ। साथ में सुनो, मैं पागल नहीं हूं, मैं सठिया नहीं गई हूं, और मेरी याददाश्त कितनी तेज है ये मैं अभी साबित कर दूंगी। अच्छा तो बताइए बा, ये कितने हैं? पैरवी आंटी भावना कहां की ठीक है, उनका दिमाग खराब है मैन। हेड हेड बोला तत्ता। हाँ हाँ उसका इंतजाम भी कर लिया। खड़क सिंह भाई दवाई दीजिए। हाँ, लीजिए। बा, 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 मुँह खोलिए। ये क्या है? हेड क्लीनर। बेबी, डीवीडी प्लेयर का हेड क्लीनर है, इंसानों का हेड क्लीनर नहीं। तो बराबर। इधर लो। है ना? इसे अपने हेड पर भी छिड़क और इन सब के हेड भी साफ कर दे, क्योंकि तुम सबका हेड खराब हो गया है। और मैं अब साबित करूंगी कि मेरा हेड भी बराबर काम कर रहा है और मेरी याददाश्त भी। बाबा ये ओझा दिखता है ऊंट की तरह पर हीन हीनाता है घोड़े की तरह। ऐसा तूने ही कहा था ना पिछले हफ्ते। कहा बाबा? हाँ बा, नरेश मैं घोड़ो, तू तो गया। एक मिनट, मेवाड़ नरेश, आपने रोनी के बारे में क्या कहा था? ये फर्नीचर स्पेशलिस्ट के तो दिमाग पे रंधा मारना चाहिए। अगर ये मारे साथ कुछ सी लड़े तो पहले ही दाव में इसे धोबी पछाड़ दे दूंगा। कहा था ना? धोबी पछाड़ मुझको? रानी वो तो मैंने ही करके बोला था। आना भाभी वो तो बताओ, पछाड़ के दिखाओ। अरे मिनट, रानी
तूने ये लीजा की मम्मी का फोटो दिखाते हुए मुझसे क्या कहा था? आंटी भावना देखो ये फ्रॉक पहना हुआ हिप्पोपोटामस। रोने तुमने मेरा मम्मी को हिप्पोपोटामस बोला? नहीं लीजा, वो इतना बड़ा मुंह खोल के हंसता है, उसमें से इतना बड़ा बड़ा दांत दिखता है, इसलिए मैं बोला। इसके वास्ते बोला? और पापा के बारे में क्या? वो आंटी भावना आपका याददाश्त वापस आ गया है, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। नहीं रोनी भैया, मेरे बारे में क्या कहा था वो भी बता दीजिए। कि वो दुकान के बाहर खड़ा वो पुतला होता है ना, मुझसे ज्यादा अकलमंद, बोल दीजिए। उसको साबित करने का कोई जरूरी नहीं है, ये सब जानता है मैं तो, बराबर। लेकिन मेरा मम्मी इधर इधर ये रहा वो रहा, देखो मेरा मम्मी हिप्पोपोटामस। अंकल ओजा तुम इसको वो पुत्तो भी पिछाड़ो मैं। हाँ, 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 ना पहले बद्रेश लात खाएगा मैं खोलो। अरे वो हिप्पोपोटामस लैंड वाला था, वो वाटर वाला नहीं था। अरे इसे खोलो। हम लोग गोवा वर्सेस राजस्थान वर्सेस गुजरात वर्सेस गोवा बाद में खेलेंगे। लेकिन आंटी भावना मुझे एक बात बताइए, कल आपको लेकर जो घोटाला हुआ वो क्या? एक मिनट, घोटाला ना? हाँ। रिचा, कल जब मैं तुम्हारे घर से यहाँ आ रही थी तो ये घोटाला परिवार मुझे मेरे ही घर में आने से रोक रहे थे। सोचो उन्हें ऐसा क्यों किया होगा? What you saying, man? मतलब हम सब लोग यहाँ पे कुकर चढ़ा के बैठा है जबकि एक्चुअल में खिचड़ी वहाँ पे पक रहा है। फिर भी अच्छा ये समझा मैन? मतलब आपके घर में खिचड़ी कुकर में बनती है? धाकिट था। ए भद्रेश मैन तुम इसको संभाल, में वो घोटाला को संभालता है। क्योंकि एक बात मेरे दिमाग में, वो राकेश की बीवी का नाम क्या है? माला उत्तरा। हाँ, क्योंकि एक बात मेरे दिमाग में नहीं उत्तरा कि आंटी भावना को उनके ही घर में जाने से क्यों रोका उन लोगों ने। मैन मैं उन घोटाला को देख लेगा। सुनिए हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे घर से सारे गहने चोरी हो गए। वर्षा, सुना तुमने? जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। तुम्हारे ग्रह से ऑर्डर आया कि हम हमारे सुपर पावर्स का इस्तेमाल अब नहीं कर सकते। हाँ, वरना 2015 की खोज को अधूरा छोड़कर हमें वापस बुला लेंगे हमारे ग्रह। क्या करो? हाथ लंबे करो, पैर लंबे करो, ऐसे करके टांग झांग करो, इस बालकनी में उस बालकनी में, यहाँ से हाथ लंबा करके चांटा मारो उस हेमंत को। अब तो ना सांसें भी लंबी लंबी नहीं लेने। और आप इंसानी मैरीगोराउंड बन जाते हो और गोल 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 घूमते रहते हो, उसका क्या? शिशिर ने कहा मुझे क्रिकेट खेलना है तो स्टंप गाड़ने के लिए। और मेरा हेमंत, मेरा बच्चा, एक शब्द गलत बोला नहीं तो टूट पड़ते हो आप उस पे। असल टेलीविजन शुरू, जैसे गोली जैसे चोली, उसका क्या? भैया तो, भैया ये क्या कर रहे हो? इस वक्त हमें सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये बंद करो, ये सब छुपा दीजिए। अरे क्या क्या हुआ क्या? अरे लाजो आंटी के सारे गहने चोरी हो गए हैं और पुलिस हर घर की तलाशी ले रही है। अब तो क्या गहने यहाँ थोड़ी मिलेंगे उनको? अरे भाभी अगर मिले भी ना तो हम सिर्फ चोर कहलाएंगे, लेकिन अगर ये सब मिला ना तो एलियन कहलाएंगे एलियन। फिर सोचो क्या होगा।
कहाँ था तू इतनी देर? आओ गैर जिम्मेदार घूम रहा होगा ऐना के इर्द गिर्द करते। चलो ये सब छुपो, किसका ये छुपो, ये छुपो, चलो। और तुम क्या यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे घूम रही हो, सुपरविजन कर रही हो? नहीं, ध्यान रखना अगर वो पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर आए तो जितना पूछे उतना ही बोलना, बाकी के वक्त करना और वो आश्चर्य वाला एक्सप्रेशन देना, पता है क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ आइए आइए, ऐसे बोलना, एक्स्ट्रा कुछ मत बोलना। और ये कहाँ गया? हिम्मत कहाँ है? ध्यान मत रखो अपने बच्चों पर, घूम रहा होगा कहीं। हिम्मत लाजो भाभी, आपका गहना ऐसे कैसे चोरी हो सकता है? मैंने लाजो, तूने फ्रिज में देखा? अरे फ्रिज में कोई गहना रखे है क्या? एक मिनट, मेरी भैर भी रखती है। एक बार मैंने उसे कहा, भैर भी ये साड़ी के साथ मेरे गहने जमने चाहिए, तो उसने साड़ी और गहने दोनों उठा के फ्रिज में रख दिए। कहा बाबा? बाबा। तो फिर लेकिन ये आंटी लाजो भैर भी नहीं है। हाँ। तो बरोबर अभी ये आए, ये नहीं है। अरे वो तो ऐना के घर पे भी नहीं है। ऐना तो है ना घर पे, बैठ जा उसका हाथ पकड़ के। ऐना भी नहीं है। देखो एक और भैरवी जबान निकाल रहा है। फसाद, ये तो हेमंत फ्रिज में भी नहीं है। ओहो लो भैरवियों की भैरवी, हेमंत क्या केले हैं जिसे फ्रिज में रखते हैं? इंसान केले फ्रिज में नहीं रखते, अंगूर रखते हैं। तो हेमंत क्या अंगूर है? हेमंत लंगूर है, वो फ्रिज में क्या करेगा वो बैठ के? परसों रात को गर्मी बढ़ गई थी तो फ्रिज में बैठा था। हाँ। लंगूर है। शरद जाकर वॉशिंग मशीन चेक करो, कहीं वॉशिंग मशीन में बैठकर नहा रहा होगा, कर रहा होगा। पापा मम्मी हाँ? मुझे पता चल गया कि हेमंत भैया कहाँ है। कहाँ है वो? ये देखिए। नहीं नहीं, हम हमारी सुपर पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे घर के हाई कमांड को सॉरी कह देंगे। वो हाई कमांड ट्रेन में सफर करने वाला इंसान है कि धक्का लगती है? सॉरी भाई साहब, तो वो मुड़कर कहेगा ऑल राइट, अब इतनी भीड़ में तो धक्का तो लगता ही है, ऐसा है वो है? देखो कहाँ है हेमंत। हाई कमांड को क्या कहेंगे आप? सॉरी कह देंगे। क्या? ये फिर से चढ़ गया ऊपर। अब की बार मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, पिछली बार नहीं मिली थी, लेकिन इस बार जो है पापा से मुझे शाबाशी मिलेगी। पापा बोलेंगे पीते रहो बेटा पीते रहो। नहीं लेकिन मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। अगर मैं पकड़ा गया तो पापा ने कहा था कि पिछली बार एक थप्पड़ पड़ी थी, अब की बार दो थप्पड़ पड़ेंगी। नहीं नहीं, थैंक यू।